तो गाइस यू वाचिंग टेक सीट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि एक लैपटॉप लेने के लिए, तो ऐसी पांच चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए जब भी आप एक नया लैपटॉप या फिर कोई पुराना लैपटॉप भी लेने वाले हों तब भी। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों यहाँ पर जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ ये लेनोवो का लैपटॉप है और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वही चीज़ें मैंने भी फॉलो करी थी, मैंने भी कंसीडर करी थी अपने लैपटॉप को परचेस करने के लिए। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं गाइस, इसका बैटरी लाइफ। दोस्तों आपको जो लैपटॉप है उसे कम से कम 7 से 8 घंटे चलना ही चाहिए और इस चीज़ को आप किसी मैन्युफैक्चरर की बात से मान नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप सैमसंग या फिर आसूस या लेनोवो किसी भी कंपनी का कोई भी लैपटॉप देखते हैं, उसकी जितने भी कैटलॉग होती है वहाँ पर जो भी टाइम कंपनी मेंशन करती है, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कहती है कि जो उसका लैपटॉप है वो 10 घंटे चलता है तो आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। उनका टेस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर में होता है लैब के अंदर और आपका यूज़ करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उसका पहले रिव्यू चेक कीजिए ऑनलाइन, पर्टिकुलरली बैटरी के लिए जब भी आप किसी भी मॉडल को पसंद करते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को भी ढूंढ सकते हैं जिसने ऑलरेडी उसी मॉडल का जो है लैपटॉप परचेस किया हो और उससे आप पूछ सकते हैं कि उसके यूसेज के हिसाब से उसकी बैटरी लाइफ कैसी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले कंसिडर कीजिए उसकी प्रोसेसर के जनरेशन को। जी हाँ दोस्तों, जितने प्रोसेसर की जो जनरेशन होती है लाइक फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फाइव, नाइन, जितनी भी जनरेशन बढ़ती जाती है प्रोसेसर का जो एफिशिएंसी है वो उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल अगर जितना ज़्यादा हाई जनरेशन का प्रोसेसर वाला आप लैपटॉप यूज़ करते हैं उतना ही उसकी बैटरी लेने की जो कंजप्शन होती है वो कम होती है। अगर आप बात करते हैं सेकंड जनरेशन की और बात करते हैं सिक्स जनरेशन की, तो दोनों की जो बैटरी कंजप्शन है बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा, साथ ही साथ परफॉर्मेंस का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा और जो हीटिंग होती है वो भी जितनी ज़्यादा जनरेशन आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से उसकी जो हीटिंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है और जिसकी वजह से लैपटॉप के जो फ़ैन होता है वो बहुत कम चलेगा, यानी कि बहुत कम RPM पे चलेगा, जिससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ेगी और ओवरऑल आप जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। दोस्तों अगर आपको कोई ऑफर मिल रहा हो लाइक i5 सेकंड जनरेशन और उससे नीचे i3 मिल रहा हो सिक्स जनरेशन, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं i3 सिक्स जनरेशन लूँ रेदर देन i5 फर्स्ट और सेकंड जनरेशन। फॉर एग्जांपल अगर आपका i5 का बजट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप i5 छोड़ के i3 का सबसे हाईएस्ट जनरेशन परचेज कीजिए जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती हो। और दोस्तों बैटरी लाइफ को सीधा इंपैक्ट करता है बैटरी टाइप, आपके लैपटॉप के अंदर कौन सी बैटरी है, लिथियम आयन है या फिर निकल कैडमियम है या फिर अदर टाइप की कोई बैटरी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लिथियम आयन बैटरी जो है प्रेफर करें। उसका वेट भी कम होता है और उसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप कोई लैपटॉप लें तो उसकी जो बैटरी टाइप है वो हमेशा एक बार जरूर देख लें। और दोस्तों अगली चीज़ की बात करते हैं, दोस्तों जब भी आप किसी लैपटॉप को परचेज करते हैं उसकी बैटरी के अंदर आपको ये बिल्कुल देखना चाहिए कि उसमें कितने सेल वाली बैटरी लगी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप बजट सीरीज में जाते हैं तो आपको 4 से 6 सीरीज वाले ही लैपटॉप की जो बैटरी होती है उसके अंदर सेल होती हैं, तो जितनी ज़्यादा सेल होती हैं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, साथ ही साथ कम से कम जितनी सेल होती हैं उसे आपको अवॉइड करना है। और दोस्तों आपको हमेशा ये प्रेफर करना है कि आपके लैपटॉप की बैटरी के अंदर जो सेल हों वो ज़्यादा से ज़्यादा हों जिससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले। दोस्तों बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जब भी आप कोई लैपटॉप लेते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है उसकी कनेक्टिविटी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो मेरा लैपटॉप है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरा जो लैपटॉप है मैंने इसके एक पोर्ट के अंदर अपना वायरलेस माउस का जो रिसीवर लगाया हुआ है और बाकी जो मेरा पोर्ट्स हैं वो अभी फ्री हैं। दोस्तों हमेशा आपको ध्यान देना है कि जितने लैपटॉप के अंदर जो पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, एटलीस्ट आपको 4 USB पोर्ट होने चाहिए। आप ये भी प्रेफर कीजिए कि उसका जो पोर्ट है उसके अंदर एक पावर पॉइंट होना चाहिए। पावर पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं जो मेरा लैपटॉप है यहाँ पर इस साइड इसके 2 पोर्ट हैं, बट जो इधर वाला जो पोर्ट है जो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक अलग से निशान दिख जाएगा जिसके अंदर क्या होता है कि जो ये लैपटॉप जब मेरा शट डाउन होता है तो मैं अपने लैपटॉप को एज अ पावर बैंक यूज़ कर सकता हूँ बिना इसे ऑन करे। तो ये चीज़ सबसे अच्छी होती है और ये चीज़ आपको देखनी चाहिए जब भी आप एक लैपटॉप परचेज करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि आपके लैपटॉप के अंदर कोई कार्ड रीडर यानी कि SD कार्ड, मेमोरी कार्ड लगाने का कोई कार्ड रीडर दिया है बिल्ट इन या फिर नहीं दिया है। साथ ही साथ आपको टाइप सी पोर्ट भी देखना चाहिए कि अब जो आप लैपटॉप लेने वाले हैं उसके अंदर टाइप सी पोर्ट है नहीं है, क्योंकि जितने भी डिवाइस हैं वो अब सपोर्ट करने लगे हैं टाइप सी और टाइप सी से आपको बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफरिंग भी होती है। और दोस्तों एक पोर्ट और आता है टाइप सी में जिसे हम बोलते हैं थंडरबोल्ट 3। इससे क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल USB से जो ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम
कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ ज़्यादातर आपको एप्पल के लैपटॉप्स में या फिर हाई एंड सीरीज़ के आसूस और लेनोवो के लैपटॉप में देखने को मिलेगी। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि आपको ये सारे पोर्ट्स आपके लैपटॉप में हो। सबसे मेन चीज़ जो सबसे मेन पोर्ट होता है वो होता है इसका VGA पोर्ट। जब हम अपने लैपटॉप की डिस्प्ले से किसी बड़े डिस्प्ले पर प्रोजेक्ट करते हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर एटलीस्ट आपके पास HDMI पोर्ट या फिर VGA पोर्ट होना जरूरी है। तो ये चीज़ आप एक बार चेक कर लें जब भी आप कोई लैपटॉप लेने वाले हो। दोस्तों तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर आती है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। जब भी आप कोई लैपटॉप लेते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उसका प्रोसेसर कौन से जनरेशन का है। उसके बाद आपको डायरेक्ट ये देखना है कि उसमें जो रैम लगी है वो कितने GB की लगी हुई है। एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम आपके पास 8 GB रैम वाला जो लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी होती हैं और बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं। तो जितनी हाई रैम आप यूज़ करते हैं आपका लैपटॉप उतना ज़्यादा स्मूथ चलेगा और उतनी ज़्यादा एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड में चला पाएंगे। बट दोस्तों अगर आपका बजट कम है तो आप रैम बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं। एक बार ये कन्फर्म कर लीजिए कि आपका जो लैपटॉप का मॉडल नंबर है उसमें बाद में आप अपनी अलग से रैम अपग्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों चौथी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह में इतनी ज़्यादा आप हो जाते हो कि आप मेन चीज़ कंसिडर करना भूल जाते हो, जो कि उसका कीबोर्ड। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बिगिनर हो या फिर एडवांस लेवल के एक लैपटॉप यूज़र हो, आपको एक हमेशा क्वालिटी वाले कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके अंदर जो नंबर्स बटन दी हुई हैं या फिर एरो बटन दिए हैं उसका जो अरेंजमेंट है वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो आप ये हमेशा चेक कीजिए जो उसका जो कीबोर्ड हो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा उस पर टाइप करके देखिए या फिर थोड़ा काम करके देखिए। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल फेमिलियर हैं उसके डिज़ाइन से और उसके प्रेस वाले जो हैप्टिक फीडबैक से, तब आप उसे परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज इन फ्यूचर आपको एक अलग से कीबोर्ड कैरी करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम मैं कह सकता हूं होता है। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे जो कि है लैपटॉप का साइज। हम स्पेसिफिकेशन बजट के चक्कर में लैपटॉप का साइज बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और कभी टेस्ट भी नहीं करते हैं कि इसका जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप ये भी जरूर देखिए कि लैपटॉप का जो साइज़ है वो आपके बैग के हिसाब से कितना है, या फिर जब आप उसे उठा के इधर उधर शिफ्ट करेंगे या फिर कैरी करेंगे, ट्रैवल करेंगे उसके साथ, तो उसका साइज़ आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर आप कंसिडर कीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में 1 से 2 साल तक अगर आप एक लैपटॉप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी होता है, और अगर आप किसी लैपटॉप के ठीक से कैरी नहीं करते हैं तो उसके डैमेज होने के चांस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अभी आपने कौन सा लैपटॉप लिया है या फिर कौन सा लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं। मैं बोलता हूं आपसे अगले वीडियो में, बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट टाइम।